हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, अपर निजी सचिव प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है दोस्तों, तो मैं डेली कराऊंगा। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2 है तो जिसमें से 150 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। तो आज मैं 50 क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, फिर कल मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं परसों 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे वीडियो आपका लंबा ना हो दोस्तों, आप लोग आराम से देखिए। तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ई में दिया है दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ आर्टिफिशियल एंड रिसर्च डेवलपमेंट। बी क्या दिया है दोस्तों, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सी क्या है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डी क्या है दोस्तों, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या सही है, पहले का सी। तो अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, फुल फॉर्म पूछा है, WWF का पूर्ण रूप क्या है, WWF का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाटर फंड, और दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द वेस्टर्लिंग, वर्ल्ड वाटर फंड फॉर द नेचर। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, बी सही है। क्या सही है, बी। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला देखिए, HRI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, HRI का पूर्ण रूप क्या है? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाइड्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट, होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, तीसरे का क्या है दोस्तों सही, HRI का फुल फॉर्म क्या है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, RBC का पूर्ण रूप क्या है, RBC का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्फुलेशंस, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड स्लेफ, रेड ब्लड कॉल्पस। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, देखिए चौथा का ए सही है, रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, कार्प सकल है। अगला देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, बी ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टीम एंड द कोऑर्डिनेशन। अगला देखिए दोस्तों, बी ऑफ बंगाल इंटेंसिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। अगला देखिए, बी ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड द इकोनॉमी कॉरपोरेशन। और अगला क्या है, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए दोस्तों, पांचवें का क्या सही है, पांचवें का सी सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमी कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, बी सुद्धिमागो नामक, आप देखिए 5 क्वेश्चन आपकी किससे आएंगी, फुल फॉर्म से आएंगी, और 5 क्वेश्चन आपकी किससे आएंगी, पुस्तक के नाम और लेखक से। तो देखिए, विशुद्धिमागो नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयानसी, महायानसी, वज्रयानसी, दिगंबर से। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, तो 6 का ए, हीनयानसी। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए कपूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, ये सही है दोस्तों, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी सही है, सौद्रानंद अश्वघोष। तो इसमें क्या नहीं सही है दोस्तों, कपूर मंजरी हर्ष। ठीक दोस्तों, महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक है, अनवर ए सुहेली, रजमनामा, और हस्त बहिशस्त अयार दानिश। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्या सही है, महाभारत की फारसी अनुवाद का किसने किया है, रजमनामा ने किया है। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखक राम। तो इसमें देखिए, नौवां क्या सही है दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय क्या लिखे हैं, ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए आया दोस्तों। तो देखिए अब इसमें क्या सही है दोस्तों, तो देखिए इधर दिया है लेखक, इधर दिया है पुस्तक। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है, राजेंद्र प्रसाद आपके लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड। ठीक है दोस्तों, और देखिए, और दिलीप मुखर्जी क्या लिखे हैं,
टेररिस्ट, ठीक। और एस एन क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं सी का पहला, अ नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी क्या लिखे हैं दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, तो इसमें क्या सही है, सी सही है। अगला देखिए दोस्तों, अभी देखिए 5 क्वेश्चन आपके किसके आए, पुस्तक से आए हैं, आप जीएस में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए आया है, ठीक है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए आया है। तो देखिए इसमें क्या सही है, बनावली, बनावली कहाँ है दोस्तों, बनावली किसके लिए है, बादाम के लिए। हुल्लास किसके लिए है, गोधूम या गेहूं के लिए। शिकारपुर किसके लिए है, कोदम के लिए। कुंतासी कौन है, रेशम सूत्र। अब देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 1 4 2, 2 3 4 1, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, 1 2 3 4। अगला देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में, ठीक। अगला देखिए, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, हसम निजामी, उत्बी, फिरदौसी और चंदवरदाई। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका इतिहासकार कौन था, उत्बी था, कौन था, उत्बी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्को डिगामा, अल्बुकर्क और बार्थोलेम्यू डियाज और जार्ज ऑक्सडन, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, अल्बुकर्क, क्या है, अल्बुकर्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, अमृतसर अधिवेशन 1919 में किसने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। प्रकाश वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या सही है, तो इसमें सही है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या कहलाती है, डायनमो, जनरेटर और इंडक्शन, इंडक्शन काइकल मोटर, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सही है दोस्तों, मोटर सही है, ठीक। कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोस और ग्लिसरीन, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, सेलुलोस है, कपास का प्रमुख घटक क्या है, सेलुलोस। निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता, ऊंट में, जिराफ में, चूहा में, मछली में, तो किसमें नहीं होता है दोस्तों, चूहा में, चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। अगला देखिए दोस्तों, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो, तो देखिए इसमें दोस्तों कौन सा सही है दोस्तों, एक दो, दोनों सही है। एंजाइम के संदर्भ में देखिए क्या कह रहा है, वे जैव उत्प्रेरक हैं, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उभयनिष्ठ से नहीं है, असम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, तो कहाँ से नहीं लगता है दोस्तों, देखिए असम से, कहाँ से नहीं लगता है, असम। अगला देखिए, भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकी शिलाक्रमों में किससे संबंधित है दोस्तों, विंध्यन क्रम में, धारवाड़ क्रम में, गोंडवाना क्रम में, टर्सियरी क्रम में, तो देखिए इसमें कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें है धारवाड़। लौह तथा अलौह, लौह तथा अलौह खनिज किसके लिए है, धारवाड़ क्रम में। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, बलरामपुर, श्रावस्ती को, पीलीभीत को और बस्ती को, तो किसको नहीं करती है दोस्तों, देखिए किसको नहीं करती है, बस्ती को नहीं करती है, ठीक है दोस्तों, किसको नहीं करती है, बस्ती को। प्रथम दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में, तो कहाँ नहीं करती है दोस्तों, देखिए वाराणसी में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर, तो इसमें से कौन सी नहीं करती है दोस्तों, तो शारदा नहर, ठीक है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो शारदा नहर करती है। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था, 1833, 1831, 1861, नन ऑफ दीज, तो इसमें से कौन सा करता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1813 में। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम के लिए करने के लिए सक्षम है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधान की सभाएं सम्मिलित रूप से, संसद, तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सही है,
तो संसद सही है। क्या है? संसद। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? सत्र का प्रथम घंटा, और जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल की पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक प्रश्नकाल का, तो इसमें देखिए कौन सा सही है दोस्तों, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। मैं भारत की संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा, ये शपथ ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है दोस्तों? तो ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, राज्यसभा का सभापति और भारत का प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे चंद्रापीठ, अरे ललितादित्य, अवंती वर्मन, दिद्दा। तो इसमें से कौन करता है दोस्तों? ललितादित्य करता है। निम्नलिखित मंदिरों में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है दोस्तों? कैलाश मंदिर एलोरा। अगला देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवाल फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? साहित्य, कला एवं स्थापत्य कला, प्रशासन, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। तो इसमें से देखिए दोस्तों, कौन सा नहीं करता है? कला एवं स्थापत्य कला। अगला देखिए, सूची वन सूची दो मिलाने के लिए आया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और फिर इसके बाद देखिए, अकबर का कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में है। ठीक है, जहांगीर का कहाँ है? तो जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का कहाँ है? आगरा में है दोस्तों। तो देखिए, इसमें से कौन सही है? तो सी सही है दोस्तों। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरी गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से ही 6ठी सदी की मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए उत्तर का बताइए। केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, न तो एक न तो दो। तो इसमें देखिए दोस्तों, कौन सा सही है? तो इसमें सी सही है, केवल एक दो। विश्व में हाल ही में एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 7 मई को, 15 मई को, 31 मई को। तो दोस्तों देखिए, इसमें से कौन सा सही है? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, 23 जुलाई 2023 को संपन्न प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस 2023 का खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगॉर्ड और टाडेस बोगाकर, एडम एटस और गोरेंट थॉमस। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा है? तो जोनास बिगॉर्ड। अगस्त 2023 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता पार ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैकलिन क्रिस्टियन, जुप्पा लहड़ी, नाओ हिबोन, एलिस कार्नटे। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? सी, नाओ हिबोन। जुलाई 2023 में 39वीं भारतीय जुलाई 2023 में महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? कोमल चटर्जी, पद्मनी राउत, अर्पित मुखर्जी और भक्ति कुलकर्णी। तो देखिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पद्मनी राउत। अगला देखिए, जुलाई 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, इटली में। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? देखिए, फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स यूनियन की एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप मेजबानी पर पहली बार भारत के किस शहर में नवंबर 2023 में किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? देखिए, बी, हैदराबाद। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने घरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मो घर योजना की शुरुआत की गई है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ की गई है दोस्तों? उड़ीसा में की गई है। ठीक, मई 2023 में बोला अहमद टीनुबु किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, घाना। तो इसमें से कौन सा किया गया है दोस्तों? नाइजीरिया किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले की लिए अन्नपूर्णा मॉडल देश भर में लागू करने की योजना बनाई गई है? लखनऊ में, बरेली में, प्रयागराज में, मेरठ में। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? बरेली में, अन्नपूर्णा मॉडल पे। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ, सीडैक, इसरो और आईसीयू।
किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, देखिए आईसीयू। तो देखिए दोस्तों ये मैथ के 5 क्वेश्चन हैं, तो मैथ के जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें। तो देखिए आज एपीएस प्रैक्टिस सेट 2 का मैंने 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है दोस्तों, और नेक्स्ट में आपका हिंदी का आएगा दोस्तों एपीएस का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपन निजी सचिव का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।